स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क टाइप 5 बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, उसी काम को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 36 व्यक्ति, 36 एम माने होता है मैन, एक काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में करते हैं, उसी काम को 27 व्यक्ति, 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो एक्स दिन में करेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 36 गुने 18 बट्टा 27 गुने डी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 3 3 × 6 3 × 27 9 × 9 9 × 18 तो 12 × 2 = 24। तो 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है 24 दिन। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 26 आदमी 17 दिन में पूरा करते हैं, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो एक काम को 26 मैन 17 दिन में पूरा करते हैं, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी? यहाँ पे M हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 × 17 / M × 13। तो इसको काटेंगे, 13 × 13 13 × 26 तो 17 × 34 M। और पूछा 26 आदमी पहले से है, तो 34 में से 26 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गया तो 8 और 2 × 2 = 0 हो जाएगा। तो आदमी की कितनी आवश्यकता होगी? 8 आदमी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 8। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 आदमी एक काम को पूरा करने में 30 दिन लगाते हैं तो 25 आदमी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे? तो 20 मैन एक काम को पूरा करने में 30 दिन लगाते हैं तो 25 मैन कितना दिन लगाएंगे? तो डी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × 30 हो जाएगा बट्टा 25 × D है तो डी हो जाएगा। अब यहाँ 5 × 25 5 × 6 30 कट जाएगा, 5 × 5 5 × 4 = 20 तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 24 दिन। तो बोल रहा है 25 आदमी उसी काम को पूरा करने में 24 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 दिन। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो 24 दिन में उस भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? तो 1800 मैन कितना दिन में पूरा करता है? 40 दिनों में पूरा कर सकती है तो 24 दिन में उस भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पे M हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 × 40 / M × 24 तो 4 × 6 = 24 4 × 6 = 6 6 × 6 = 18 3 × 3 1 2 3 × 0 हो जाएगा 1 2 3 × 0। तो उस भवन निर्माण को पूरा करने के लिए 3000 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी।
ऑप्शन नंबर बी सही है 3000। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 24 दिन में 60 केजी चावल की खपत होती है तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने चावल की खपत होगी। तो एक परिवार में 24 दिन में 60 केजी, 24 दिन में 60 केजी, 60 केजी चावल की खपत होती है तो एक दिन का खपत निकालेंगे तो एक दिन का चावल बराबर कितना हो जाएगा, 60 बट्टा 24 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 5/2। तो पूछ रहा 18 दिन में कितने चावल की खपत होगी, तो 18 से गुना कर देंगे तो 2 × 2 = 18, 9 × 5 = 45 किलोग्राम की खपत होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है 45 किलोग्राम। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचा, अब भोजन कितने दिन चल जाएगा। तो 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिन, 500 एम के लिए छावनी में 24 दिन, 24 दिनों के लिए भोजन था, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचा, 300 व्यक्ति और आ गया तो कितना हो जाएगा, 500 में 300 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 800, 800 मैन 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचा, अब भोजन कितने दिन चल जाएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 × 24/800 × d 00 से 00 कट जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 15 दिन। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पुरुष 12 दिन में एक काम का टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में दुगुना काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है m1 × d1 / w1 = m2 × d2 / w2। तो m1 कितना हो जाएगा 7 × d1, तो कितना दिन में करता है 12 दिन में, बट्टा एक काम को करता है तो बट्टा में एक हो जाएगा बराबर। m2 तो बोल रहा है 8 दिन में दुगुना काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा m2 × d2, कितना दिन में, तो 8 दिन में 8/2 दुगुना काम बोल रहा है तो नीचे में 2 हो जाएगा बट्टा में। अब इसको काटेंगे तो 2 × 2 = 2 × 8 और बराबर के ऊपर ऊपर कटता है तो 4 × 3 = 12 कट जाएगा, तो m2 = कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21। अभी कितना निकला है 21 और पहले कितना पुरुष था 7 पुरुष, तो 21 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 और ये 1 हो जाएगा 14। तो m2 = कितना हो जाएगा 14 पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही है 14। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 केजी घास खाती है, 10 दिन में 15 गायों से कितना घास खाया जाएगा। तो किसके बारे में पूछ रहा है, गाय के बारे में। तो 12 गाय, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d1 × d1 × m1 × d1 / w1 =
एम टू गुने डी टू बट्टा डब्लू टू फॉर्मूला होता है, तो एम वन तो 12 का है, 12 गुने डी वन 7 दिनों में, तो डी कितना है 7 बट्टा 756 घास खाती है, तो 756 बराबर एम टू, तो 10 दिन में 15 गायों से कितना घास खाया जाएगा, तो 10 गुने 15 बट्टा डब्लू टू, क्योंकि गाय के बारे में पूछ रहा है, तो अब इसको काटेंगे तो 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 0, 7 × 8 = 56, 12 × 12 = 12 × 9 = 108। अब इसको अब नहीं कटेगा तो 1 बट्टा 9 बराबर 15 × 150 बट्टा डब्लू टू, तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्लू टू बराबर 15 × 135 डब एगो जीरो है तो एगो जीरो के जी, तो 15 गायों से कितना घास खाया जाएगा, तो 1350 केजी घास खाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1350 केजी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल मैं आप लोगों को क्षेत्र मिति बताऊंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।